प्रणाम करो। प्रथम दृश्य में साधु कुमार शास्त्र रूप में उपस्थित है। अरे ओ महारानी, इधर मर गई, इधर आ जल्दी। जी माँ जी, आपने मुझे बुलाया। बड़ा चमक चमक के आ गई, क्या बात है। चल ये बता, जो तेरे पिताजी ने वादा किया था दहेज के पैसे देने का 5 लाख रुपए का, वो कब भेजवा रहे हैं। जी पिताजी के पास उतने पैसे नहीं है माँ जी, जो कुछ भी था उनके पास उन्होंने मेरी शादी में खर्च कर दिए। अरे जब पैसे ही नहीं थे तो शादी ही क्यों की, ये बता। चले चले यहाँ से। नहीं माँ जी नहीं, मुझे घर से मत निकालिए, इस घर को छोड़कर मैं कहाँ जाऊँगी। नहीं नहीं चल चल। हाँ माँ ठीक कह रही हो, पैसे नहीं है तो निकल जाओ इस घर से बाहर, और तब तक वापस मत आना जब तक पैसे नहीं देता तुम्हारा बाप। जाओ यहाँ से। भगवान, मेरे पिताजी को अमीर क्यों नहीं बनाया, क्या अमीर घर की बेटियों को ही देने का अधिकार है, अब मैं पिताजी को क्या मुंह दिखाऊंगी। बहू रो रही है, पिताजी के घर आ जाएंगे। तुम क्यों रो रही हो बेटी। पिताजी मुझे ससुराल वालों ने मुझे घर से निकाल दिया है और कहा है कि जब तक तुम दहेज के पैसे नहीं लाओगी तब तक तुझे घर में नहीं रहने दूंगी। बेटी इसलिए घर नहीं बचा हुआ है, तू बोल तो यह घर गिरवी रख कर पैसे दे दूं उन लोगों को। नहीं पिताजी, ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है, ये तो पैसे के सारे लोग ही लोग हैं, एक बार इनका मुंह बंद कर दिया जाए तो क्या गारंटी है कि ये दोबारा मुंह नहीं खोलेंगे। पिताजी इसे तो बहुत से कोई मतलब नहीं है। पिताजी मैं नहीं बेटी नहीं, बेटी शादी के बाद ससुराल में ही अच्छी लगती है, बेटी का असली घर ससुराल ही होता है। ठीक है पिताजी, आप बोलते हैं तो मैं चली जाती हूँ। बेटी पिता की बात मानकर ससुराल वापस चली जाती है। आ गई महारानी, लाई है दहेज के पैसे। नहीं पिताजी ने कुछ दिनों की मोहलत मांगी है, बंदोबस्त करके उन्होंने दे देंगे। जा पता नहीं कहां से आ गई घर में। रात का समय हो जाता है, बहू अपने कमरे में सोने चली आती है, तभी चुपके से मौका पाकर सास ससुर पति और ननद आपस में कुछ योजना बनाते हैं और बहू के कमरे में पहुंच जाते हैं। कमरे में जल रहे मोमबत्ती को उसके बिस्तर से सटा देते हैं और धीरे से निकल जाते हैं। अचानक बहू की नींद खुलती है, किसी तरह वह कमरे से बाहर निकलती है। अरे आग लग गई, आग लग गई, और वह जख्मी भी हो जाती है। उसे समझ में आ जाता है कि ये इंसान के रूप में हैवान है, पैसे के लिए कुछ भी कर सकता है। हे भगवान, इस घर के लिए मैं क्या कुछ नहीं किया और इन लोगों ने मुझे जलाने की कोशिश की और शुरू से मुझे पैसों के लिए इतना प्रताड़ित किया, अब मैं चुप नहीं रहूंगी, अब मैं कानून का दरवाजा जरूर खटखटाऊंगी। बहू अपने नजदीकी पुलिस स्टेशन पहुंच जाती है। इंस्पेक्टर साहब, इंस्पेक्टर साहब, क्या बात है, है? इंस्पेक्टर साहब, ससुराल वालों ने मुझे दहेज के लिए बहुत प्रताड़ित किया, मेरा एफआईआर दर्ज कीजिए। ससुराल वालों ने मुझे जलाने की कोशिश की और दहेज के लिए बहुत प्रताड़ित किया है। इस तरह हथकड़ी लगाकर पुलिस इन्हें जेल लेकर चली जाती है। तो हम लोगों ने देखा कि दहेज लोभियों का क्या हश्र होता है। संगीत के बिना जिंदगी अधूरी होती है, जिंदगी के हर लम्हे को संगीत के माध्यम से महसूस किया जा सकता है, तो इसी संगीत का अनुभव कराने के लिए आप सबों के बीच में आमंत्रित करना चाहता हूँ चंदन कुमार रंजन का। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए।
शायद नहीं होगा। आज अभी मैं मोहम्मद रफी साहब का एक गाना प्रस्तुत करने जा रहा हूँ जिसका बोल है आनी सुस्के आए बाहर। जिनके ड्रामा का शीर्षक है एक लड़की की कहानी।
तो जोरदार तालियों के साथ स्वागत करते हैं। Thank you.
जन्म ही नहीं लिया और मेरे चलते माँ और पिताजी झगड़ा कर रहे हैं। क्या मेरा जन्म लेना सही होगा? जैसे तैसे उस बच्ची का जन्म हो जाता है और जन्म लेने के बाद भाई बहन के बीच भेदभाव होने लगता है। मम्मी मम्मी खाना, तो मुझे भूख लगी है। मम्मी खाना जल्दी लाओ। हाँ बेटे लाल। मम्मी मम्मी मुझे भी खाना दो ना। लाल बहू जरा बेटे को दूध भी दे देना। मम्मी मुझे भी दूध दे दो ना। खबरदार कैसे दिया, ये तो बेटी है, दूसरे के यहाँ से जाना है। बेटे को खिलाएंगे पिलाएंगे, उस वक्त अपना कुल का नाम भी रोशन करेगा। अब जब भाई स्कूल जाता है तो बहन को भी जाने का मन करता है। भैया भैया आप कहाँ जा रहे हैं? मुझे भी साथ ले चलिए। तो भैया मम्मी स्कूल पर। ठीक है। मम्मी मम्मी क्या हो बेटी, मुझे भी स्कूल जाना है। ठीक है मैं तुम्हारे पिताजी से बात करूंगी। सुनिए जी, बेटी बोल रही है जो वो अपने भैया के साथ स्कूल जाएगी तो आप उसका एडमिशन करवा दीजिए ना। नहीं ये तुम क्या बोल रही है, अब क्या लड़कियां भी स्कूल जाएगी? ये नहीं स्कूल नहीं जाएगी, ये इसे अपने घर के कामकाज सिखाओ। इसकी अब होगी तो बस अब शादी होगी और कुछ नहीं। इसके अब मैंने इसके लिए लड़का देख रखा है, इसकी अब बस 2 महीने के अंदर शादी ही होगी और कुछ नहीं। इस तरीके से उस लड़की की शादी हो जाती है एक शराबी पति के साथ। हम ना कुछ क्या, 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 हम ना कु
लक्ष्मी का वरदान है बेटियां, सरस्वती की मान है बेटियां, धरती पर भगवान का रूप है बेटियां। मैं ही दुर्गा हूँ, मैं ही डॉक्टर हूँ, मैं ही सरस्वती, मैं ही शिक्षिका हूँ, और हम सभी बेटियां हैं। हम बेटियां हैं, हम एक ऐसी समाज से आते हैं जहाँ हमें पूजा जाता है, हमें प्रतिष्ठित भी किया जाता है। ऐसा क्यों और कब तक चलेगा? आखिर क्यों और कब तक चलेगा? मैं पूछना चाहती हूँ मेरे इस परिवार से, इस समाज से, और हाँ आप सभी से, आखिर क्यों और कब तक? कब तक मुझे पहले जन्म लेने से रोका गया, फिर मेरे साथ भेदभाव, मुझे स्कूल नहीं जाने दिया गया, मेरी शादी करा दी गई बिना मेरे मर्जी के। मैं पूछती हूँ आखिर क्यों और कब तक, और छोड़े जाती हूँ इस सवाल के साथ आप सभी को कि आखिर क्यों और कब तक। औरत हूँ मैं, चुप रहूँ मैं, सहूँ मैं, बोलूँ तो बदतमीज हूँ मैं। औरत हूँ मैं, बेटी मैं, बहू मैं, पत्नी मैं, बात जब हक की हो तो सिर्फ एक औरत हूँ मैं। थैंक यू, धन्यवाद। सर्वप्रथम मैं माँ सरस्वती का नमन करती हूँ जिन्होंने मुझे कविता करने की शक्ति दी। उसके बाद मैं आप सब गुरुजनों का प्रणाम करती हूँ और आपका आशीर्वाद चाहती हूँ। मैं एक कविता आप सबों के समक्ष प्रस्तुत कर रही हूँ जो मैंने खुद लिखी है। मनुष्य के आगे बहुत सी परिस्थितियाँ आती हैं उसके जीवन में। वह चारों ओर से अंधकार से घिर जाता है, हताश हो जाता है, निराश हो जाता है। ऐसे समय में उसे समझ नहीं आता कि वह क्या करे, लेकिन ये सत्य है कि हर अंधकार के बाद प्रकाश है, और इसी सत्य को उजागर करता एक मंदिर का जलता हुआ नन्हा सा दिया जिसे कवि ने जलाया था अपने ही पथ के प्रदर्शन के लिए। तो आइए सुनते हैं कविता। मंदिर में जलाया था मैंने एक नन्हा और प्यारा सा दिया। वह दिया मेरी आशाओं का था, विश्वास का था। वह दिया मेरी आशाओं का था, विश्वास का था। यह वह दिया था जो आंधियों से, तूफानों से लड़ लड़ कर जलता था, अंधेरे में मुझे प्रकाश देता, और जब मैं कभी हताश होती, निराश होती, अंधकार चीर कर और वेग से प्रज्वलित होता और कहता, हताशा तुम्हारा लक्ष्य नहीं, अंधियारा तुम्हारा लक्ष्य नहीं, प्रकाश तुम्हारा लक्ष्य है। वह दीपक मुझे संघर्ष करने की अनवरत प्रेरणा देता था, और मैं उस टिमटिमाते दीपक से प्रेरणा लेती आगे बढ़ने को उठ खड़ी होती थी। अंधेरी रात में आंधियों तूफानों के बीच दीपक जलता रहा और मैं चलती रही। रात गहराती गई और हम दोनों संघर्ष करते रहे। जीवन और मृत्यु का जंग हम दोनों ही लड़ रहे थे कि तभी जोर से आंधी चली और वह दिया उसी वेग से प्रज्वलित हुआ और बुझ गया। मैं निष्प्राण हो गिर पड़ी क्योंकि अंतर का दीपक भी छीण हो चुका था, साहस जवाब दे गया था, आंखें सहसा बंद हो गई थी। तभी बंद आंखों से अंधेरा हटा और प्रकाश छा गया। मुझे भ्रम हुआ ये क्या है, जानने के लिए आंखें खोली कि आंखें चौंधी आ गई क्योंकि सामने टिमटिमाता दीपक नहीं प्रकाश था, महाप्रकाश। यह सूर्य का प्रकाश था जहां तक पहुंचाने में टिमटिमाते दीपक का हाथ था। वह छोटा सा दिया तो महाप्रकाश में विलीन हो गया, पर मुझे प्रकाश की दुनिया दे गया। यहाँ प्रकाश है, आशा है और विश्वास है। सच में यही वह लक्ष्य है जिसकी खोज में मैं चली थी एक छोटे से दिए के सहारे। आज भी हर शाम जलाती हूँ मैं मंदिर में एक दिया जो आने जाने वालों को प्रेरणा दे सके और उन्हें कह सके, चलते रहो, बढ़ते रहो, एक दिन तुम्हें प्रकाश नहीं महाप्रकाश मिलेगा। इस अंधियारे के पार केवल सवेरा है और आशा की छिटकती किरणें हैं जो तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही हैं, जो तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। धन्यवाद।